सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रॉयल गाइडेंस। होप यू आर डूइंग वेल। अमेरिका से हम यहाँ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश में आपको बिना रुके मीस फ्लुएंसी के साथ में बोलना है अगर इंग्लिश, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको मीस आपको वो कैप्स आनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे माइंड पे क्या है वो कैप्स होती है, बट अगर टंग पे नहीं आती है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, कन्वर्सेशन को बीच में स्टॉप करना पड़ता है। क्यों? लैक ऑफ वो कैप्स। अगर हमारे पास लॉट्स ऑफ वो कैप्स होंगी तो हम लोग इजिली कन्वर्सेशन कर पाएंगे एंड कहीं भी हम लोग फंसेंगे नहीं। सो चलिए हम लोग कुछ सीखते हैं वो कैप्स। देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 वीडियो वो कैप्स बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एंड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ऐसे इडियम्स जो हम लोग यूज करते रहते हैं। चलिए हम लोग उन इडियम को सीखते हैं एंड इनका यूज करना सीखते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट है आपका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि लोगों को कहते हुए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा आपका ऑब्वियस नीड्स नो एविडेंस। ऑब्वियस नीड्स नो एविडेंस मीन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्वियस नीड्स नो ऑर्नामेंट, नो सॉरी ऑब्वियस नीड्स नो एविडेंस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एविडेंस। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम लोग किस तरीके बोलेंगे idiom में? जब हम लोग यूज करेंगे अपनी कन्वर्सेशन में तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे बोलेंगे ऑब्वियस नीड्स नो ऑर्नामेंट। क्या होगा? ऑब्वियस नीड्स नो ऑर्नामेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सीरत देखो सूरत नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गया मार्केट है, मान लो गया मैंने डस्टर लिया, ठीक। एंड डस्टर लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये डस्टर हाँ सही तो है, फिर मैंने दुकानदार से क्या कहा कि यार ये डस्टर क्या है कि ये बेकार है, इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, आई कांट परचेज दिस। तो वो क्या कहता है, भैया इसकी सीरत देखो सूरत नहीं। मीन्स क्या है? सूरत ना देखो, इसकी सीरत देखो, मीन्स ये काम कैसा करता है, कितना करता है वो। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। कब जज करेंगे? जब उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, किसी भी डस्टर को हम लोग बाहर से नहीं देख के जज कर सकते हैं, उसको जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उस चीज का मतलब समझेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरत देखो सूरत नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डोंट जज अ बुक, डोंट जज अ बुक By its cover, by its cover। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को बाहर से हम लोग जज नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार कोई इंसान जा रहा होता है एंड हम लोग उसके बारे में कमेंट करते हैं, यार ये इंसान ऐसा है वैसा है, ठीक है, ये है वो है, घमंडी है वैसा है, भैया कैसे उसको जज कर सकते हो, उससे क्या क्या पता चलेगा? उससे जब आप बात करोगे तब पता चलेगा। तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं डोंट जज अ पर्सन, बुक की जगह क्या हो जाएगा, पर्सन कर देना। एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय इट्स अटायर, बाय इट्स अटायर। किसी भी पर्सन को हम लोग बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। एंड एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग देखते हैं कि कोई इंसान अरे बढ़िया कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग उसको जज करने लगते हैं, ओ वाओ ही वो मतलब बहुत ही ज्यादा पर्सन रिच है, ठीक है, ही इज अ रिच पर्सन। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं डोंट जज अ पर्सन, बुक की जगह क्या होगा, डोंट जज अ पर्सन बाय इट्स अटायर, ये भी बोल सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को हम लोग बाहर से जज नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना, ये क्या है, ये यार किसी पिक्चर की क्या है, डायलॉग है, ठीक है, हाँ सही पकड़े हो। यहाँ पे क्या होगा कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान न करना, ये किसका है, हमारे सलमान खान जी, क्या है, डायलॉग है पिक्चर का। तो इस पे क्या होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझ पे एक एहसान करना, तो इसको बोलेंगे डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान न करना, डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर, मीन्स मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान न करना, ये भी आप बोल सकते हो आप इंग्लिश में, डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरता को आभूषण की जरूरत नहीं होती है, ठीक।
बहुत से लोग क्या कहते हैं यार उसको देखो यार बिना इससे कोई मेकअप किए हुए कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदरता को आभूषण की जरूरत नहीं होती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। क्या बोलेंगे, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, नो ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषणों की जरूरत नहीं होती। किसको, ब्यूटी को, जो ऑलरेडी सुंदर है उसको आभूषण की जरूरत क्या है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, सुंदरता को आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है, लास्ट एंड बट नॉट योर लिस्ट, मीन्स आखिरी है बट ये भी कुछ कम नहीं है। ठीक, अक्सर हम लोगों को यूज करते हुए देखा होगा, समय एंड अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। बहुत से लोग, बड़े बुजुर्ग लोग पहले कहते थे या अभी भी कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग कैसे, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वेट फॉर नन मीन समय एंड अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय एंड अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो ये आपके कुछ एडियम से इनका आप यूज करिए एंड अपनी कन्वर्सेशन को और भी इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें एवरी सिंगल डे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एवरी सिंगल डे कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आप उसको सीखते रहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले एंड प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।